ऐसा क्वेश्चन अक्सर काफी लोग करते हैं कि हमारे मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आते हैं, वासनाएं उठती हैं। तो इसका उत्तर महर्षि वृत्रिहरि जी ने वैराग्य शतक में क्या लिखा है कि अगर मन में ऐसा कुछ उठे तो हमको कैसा विचार करना चाहिए, एक बार ध्यान से सुनिए। महर्षि वृत्रिहरि जी कहते हैं, वह कामनी यानी कि स्त्रियों की निंदा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के शरीर पर रहने वाले जो दोनों कूंच मानो मांस की गांठें हैं, परंतु सोने का कलश, ऐसा कहकर कुछ मूर्ख प्राणियों द्वारा इसकी उपमा दी जाती है। मुख मुख तो मानो कफ का घर है, फिर भी कुछ बुद्धिहीन लोग इसको चंद्रमा से इसकी तुलना करते हैं। जाने कि जैसा आज के गानों में गाया जाता है ना कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है मानो वैसा है, ऐसी ऐसी फालतू की बातें की जाती हैं, ये सिर्फ युवा को भ्रष्ट करने की बातें हैं। एक बार सोचो, क्या है वो? एक मांस का पुतला ही तो है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मांस से परत हटा के देखो, स्किन की नीचे से आंतड़ियां, खून, कफ, क्या कुछ निकलेगा, ऐसा विचार किया करो एक बार। आगे क्या लिखते हैं वृत्रिहरि जी कि देखो एक बार हमारे शरीर में हर वक्त कितना गंद निकल रहा है, पसीना हर वक्त शरीर में से पसीना निकलता रहता है, शरीर में से दुर्गंध आती है, हमारे शरीर में से 9 द्वार है, यहाँ से हर क्षण गंदगी निकलती रहती है, मुख में से गंदगी निकलती है, नाक में से गंदगी निकलती है, आंखों में से गंदगी निकलती है। तो जिस शरीर को देखकर आपके मन में ऐसी वासनाएं उठ रही है, एक बार आंखें बंद करो और सोचो कि असल में वो क्या है, एक पुतला ही तो है, हार्ड मांस, खून, कफ, मल मूत्र, उसमें यही भरा है। तो जब ऐसा विचार करोगे ना, आप सच में ईमानदारी से ऐसा विचार करोगे तो देखना आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे मन में ऐसा आगे से आपके मन में आकर्षण आए तो ऐसा विचार करना कि वो सिर्फ मांस का पुतला है, उसमें हड्डियां हैं, कफ है, वो गंदगी का भंडार है, कितना ही अशुद्ध है वो शरीर, तो ऐसा करते ही आपका मन शांत हो जाएगा।